देखिए बात इतिहास की नहीं है, भावनाएं आहत तो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जिन चीज़ों को एक बड़ा समाज छिपा के रखना चाहता है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो बात और बड़ी यहाँ पे एक देखने वाली बात यह भी है कि वो बात चाहे कोई भी कहे उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहने वाला कौन है, है ना। जैसे विकास देवी कीर्ति ना दलित समाज से आते हैं ना बहुजन समाज से, इसके बावजूद उन्होंने जो बातें कही वो एक जो बड़ा वर्ग है जो सत्ता में है जिसकी विचारधारा के लोग अभी मजबूत स्थिति में हैं, उन लोगों को चूंकि खलता है वो सब बातें सामने आती हैं तो इसलिए वो नहीं चाहते चाहे वो कोई कहे। तो क्या आप जो इतिहास है उसकी सच्चाई सामने लाना आप भावनाओं को आहत करना है? देखिए इतिहास की सच्चाई तो सालों पहले सामने आ चुकी है। ज्योतिबा फुले ने लिखा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम किताबें लिखी जिसमें तमाम बखिया उधेरी गई जो इतिहास की किताबें थी जिसके जरिए गुलाम बनाया गया था देश के दलितों को आदिवासियों को, तो तमाम पहले आ चुकी हैं। जब उसका पुनर्पाठ होता है, जब उसको फिर से बात करने की उस पर कोशिश की जाती है, पहले भी वो चीज़ें खलती थी लोगों को, आज भी खलती हैं। पहले उनको दिक्कत होती थी तब भी वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि उनकी स्थिति मजबूत नहीं थी। आज वो केंद्र से लेकर तमाम प्रदेशों में सत्ता में है और मजबूत स्थिति में है। उनके तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े पदों बैठे हुए मंत्री हैं, तो इसलिए वो तुरंत कार्रवाई कर पाते हैं और तुरंत एक दबाव बनाया जाता है। अगर सच्चाई सामने आती है तो बौखला क्यों जाते हैं ये लोग? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आए। निश्चित तौर पे मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ कि इसको छिपा के रखा जाए वो जब उजागर, देखिए उनके धर्म पे चोट पड़ती है, सही तरीके से उनके धर्म पे चोट पड़ती है, उनकी विचारधारा पे चोट पड़ती है और लोगों के बीच में उस धर्म, जैसे मनुस्मृति का जब हम जिक्र करते हैं तो बहुजन समाज के लोगों मनुस्मृति पढ़ी है, उसकी बारीकियों को जानते, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज भी तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं मनुस्मृति की बातें नहीं जानते क्योंकि उनका मतलब की नहीं है वहाँ पे, क्योंकि मनुस्मृति ने उनके लिए कुछ बुरा नहीं लिखा है। लेकिन अगर वो सामने आती है तो आज एक जो नया वर्ग पैदा हो रहा है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो प्रगतिशील जो कहते हैं प्रोग्रेसिव वर्ग है, वो सही को सही और गलत को गलत कहने लगा है। तो उन लोगों के सामने जब वो चीज़ें आती हैं तो उन और वो लोग निश्चित तौर पर उनसे जुड़े हुए लोग हैं तो वो उनसे दूर जाते हैं कि नहीं ये तो ऐसी बातें हैं, है ना। तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें सामने आए, चाहे वो किसी के ज़रिए सामने आए, और उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके धर्म पे, उनके आस्था पे कोई चोट हो और उसको धर्म आस्था का नाम देके और भावना आहत हो जाती है उनकी। तो ये धर्म आस्था थोड़ा, ये तो सर लेखकों ने लिखा हुआ ना इनके सब ग्रंथों में, ये तो उन्हें समझने की ज़रूरत है। तो फिर इतने क्यों उग्र हो जाते हैं वो लोग, कह रहे हैं उनके कोचिंग सेंटर बंद करवाया जाए, पीछे आपने देखा होगा रतन लाल जी ने भी कुछ लिख दिया था। तो मैंने कहा ना कि वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो चीज़ें सामने आए, है ना। देवदासी प्रथा से लेकर तमाम प्रथाएं रही हैं इस देश में, सती प्रथा रही है, देवदासी प्रथा, आज के वक्त में किसी महिला से जाके आप बात करो कि हाँ उसका पति नहीं है वो जाके सती हो जाए तो महिला क्या करेगी, थप्पड़ मारेगी ना पलट के। पर ऐसा तो सर डर का माहौल हो जाएगा, आप जैसे लोग तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे फिर। नहीं, लोग बता ही रहे हैं, जिसको बताना है लोग बता ही रहे हैं। नहीं, मारने की धमकी दी जाती है सर, घरों पे हमले किए जाते हैं, रतन लाल जी के घर पे हमला हुआ था। देखिए वो स्थिति तो है, लेकिन इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो सही तथ्यों के साथ काम करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को अपना रोल नहीं निभाना चाहिए यहाँ पर ऐसे लोगों पर, ये जो एक गैंग बना हुआ पूरा जो ट्रोल गैंग है ये। और निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन प्रभावित होता है सत्ता से तो एक स्थिति तो विकट हो ही जाती है। तो इन लोगों को गाली देने की बजाय जो प्रकाशन इसको छाप रहा है, जो प्रेस इनको छाप रही है, उनकी भी जवाबदेही नहीं होनी चाहिए सर, अगर इनकी आहत इनको लगता है कि गलत है वो। देखिए इतिहास की जब बातें होती हैं, कोई भी बात सामने आती है तो वो सोर्स कहाँ है, कहाँ से बात निकली है, जवाबदेही उसकी होती है, है ना। जैसे 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बात हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो कहाँ से निकली उस समय जाना चाहिए। आज के वक्त में कोई चीज़ कोई आदमी वो बात कहता है जो सालों पहले कहीं लिखी जा चुकी है, उसको कोट करता है और उसके ऊपर उसके खिलाफ हमले होते हैं तो बेहद मूर्खतापूर्ण। शंभू कृषि की हत्या ये तो हर कोई जानता ना, इसमें गलत क्या? अब ये मिथ है कि सच है इसके बारे में कौन जानता है? किताबों में तमाम मिथ लिखा गया है, तमाम सच लिखा गया है, वो कौन देखने गया था, तो वो कहीं ना कहीं ये एक मैथोलॉजी भी है ना। मैं ना देखने गया था शंभू कृषि को, उस समय जो ग्रंथ लिख दिए गए थे उसके आधार पर बातें हो जाती हैं, उनका आज के वक्त में कोई मतलब नहीं है। उनको जानता हूँ, वो कोचिंग देते हैं, उनका वक्तव्य मैंने भी सुना था, लेकिन ये जो ट्रोल कर रहे हैं या उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल उस रामायण की बात कर रहे हैं जो रामचरित मानस की जो
है लिखा जो उन्होंने अपना जो इनके गोस्वामी हैं तुलसीदास उनकी रामचरितमानस और जो एक्चुअल रामायण है और सच्ची रामायण में भी जो उसमें भी जो वाल्मीकि रामायण के वो दिए गए हैं उससे बिल्कुल भिन्न है वो। और जो ट्रोल करने वाले वही लोग हैं और उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और सीता के लिए जो लड़ाई हुई और उसके बाद सीता को उन्होंने वन में छोड़ दिया, उसको महिला का अपमान हुआ, इतने सारे लोग मारे, महिला का अपमान करा, सुपर्णखा उसकी उसका अभद्र व्यवहार हुआ, ताड़का को मारा, इतना नुकसान हुआ, उसके बावजूद भी उस महिला को अग्नि परीक्षा के बाद भी उन्होंने जंगल में उनको छोड़ दिया अकेली गर्भवती महिला को। तो वो तो एक सच्चाई है, सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि, और दूसरा ये कि जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको उनकी महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर जो वाल्मीकि रामायण में अगर महिला को सम्मान की बात है, उसको अपने सुरक्षित रखने की बात है, जब जंगल में छोड़ गए जंगली जानवरों के बीच में दो दो प्राणी, एक तो महिला जो खुद माँ है और एक उसके पेट में जो बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से असुरक्षित है वो इसका मतलब रामायण जो भगवान वाल्मीकि ने जो लिखा वो सही रामायण है, तुलसीदास जी ने घाल मेल कर दिया और सीता के लिए ऐसे शब्द लिख डाले। नहीं नहीं, तुलसीदास में जो है उसमें उन्होंने जो राम को हीरो बना करके और जो जो तुलसीदास ने उसमें कहा कि हाँ उसको जो वो दिखाया है नीचे भी दिखाया प्लस, क्योंकि वो तो है ना ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये जो जितने शूद्र पशु नारी और ये गवार ये तमाम ये तो उनके वर्ण व्यवस्था के हिसाब से उनके नौकर हैं, उनके वो है महाभारत में भी देखो तो वस्तु है, पाँच लोगों ने बांट ली कुंती के कहने पर बिना देखे, तो उन्होंने एक महिला को पाँच लोगों ने रख लिया, तो महिला की शूद्र की और गवार और पशुओं की इनकी तो वहाँ वैल्यू नहीं है ना, ये तो उनके इस्तेमाल के लिए काम आते हैं। वाल्मीकि ने तो अपने वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने सम्मान दिया है माता सीता को। नहीं बिल्कुल दिया है, उन्होंने अपने आश्रम में रखा है। और दूसरा अभी 6 तारीख को 6 नवंबर को हम अमृतसर गए थे वाल्मीकि आश्रम में, जिसमें अमृत वर्षा का वो पर्व होता है। वो पर्व इसलिए है कि जो वो दो लवकुश ने वाल्मीकियों के उन भक्तों ने जो राम को और उसकी सेना को मार दिया था, तो सीता जी के कहने पर अपील करने पर ही अमृत वर्षा करके उनको जिंदा किया, उनको राम की सेना को राम को। तो वो तो वो जो उनकी जो लिखित रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें घालमेल कुछ हुए हैं, जो सच्ची रामायण जो लिखी गई है उसमें बाद में जो हमारे सच्ची रामायण तो पेरियार साहब ने लिखी, नहीं पेरियार साहब ने लिखी है, उसमें जो हवाले दिए हैं शायद मैंने उसको ठीक से पढ़ा है, उस सच्ची रामायण को अच्छे से किया है, उसमें जो उन्होंने रावण को जो उसमें 10 जो सम्मानित बातें कही गई हैं उसके वाल्मीकि रामायण में, और जो राम के और दशरथ के और इन सब के जो चरित्र उन्होंने बताए हैं वो सच्ची रामायण में उन्होंने बताए हैं, उसको वो संदर्भ वाल्मीकि रामायण से लिए हैं, लेकिन नहीं वाल्मीकि रामायण में बाद में घालमेल हुए हैं ना। और बाबा एक बात बताइए, आज वाल्मीकि समाज की क्या स्थिति है, क्या वाल्मीकि भगवान वाल्मीकि की जयंती में राम भक्त सारे राम भक्त सवर्ण समाज वाले राम भक्त आते हैं? देखिए वो पॉलिटिकल लोग आते हैं, जितने भी राम भक्त हैं पॉलिटिकल लोग, जो वाल्मीकि समाज जो सबसे सताया हुआ कमज़ोर समाज है उसका पॉलिटिकल वाल्मीकि जी के नाम पर पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, लेकिन जो वाल्मीकि समाज है वाल्मीकि जी से पूरे दिलो जान से जुड़ा हुआ है, उनके दिमाग में पूरी तरीके से उनको अपना भगवान अपना इष्ट और अपना धर्म सब कुछ मानते उनके लिए करता, लेकिन ये जो असली राम भक्त वाल्मीकि समाज है? नहीं बिल्कुल वाल्मीकि समाज राम भक्त नहीं है, ये आपने गलत कह दिया। हमारे डॉक्टर अनार्य मुकेश अनार्य जी के अगर आप उनके गाने सुनेंगे उनके भाषण सुनेंगे जो आदि धर्म उन्होंने जो अपना वाल्मीकि जी के बारे में जो उन्होंने कहा है और राम के बारे में जो कहा है आप सुन नहीं पाओगे। ये जिन्होंने ट्रोल कर रहे हैं वो तो भाग जाएंगे मैदान छोड़ करके, वो इतने उस तरीके से राम को अन्यायी राजा कहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की चाबी वाल्मीकि समाज को देनी चाहिए? नहीं नहीं, हमें राम मंदिर की नहीं चाहिए, हमने कहा कि इसमें भैया राम को पैदा करने वाले उनके पिता को जो लेखक हैं जो उनके उन्होंने भी माना है आरएसएस के मेन ने 15 दिन पहले उन्होंने कहा ना कि अगर वाल्मीकि नहीं होते तो राम को हम कैसे जानते, तो राम के जो पहले सबसे पहले राम का जो मंदिर आप बना रहे हो उस मंदिर में सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी का बनना चाहिए। लोग सफाई का काम कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग मंदिरों की चाबी मंदिरों का ट्रस्ट और ज्योतिष विद्या में क्यों नहीं जाते हैं जबकि ये सबसे बड़ा व्यापार है? देखिए पहली बात तो इस बात को मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ कि सारे वाल्मीकि समाज के लोग सफाई का काम कर रहे हैं, अभी 2-4-5-10% लोग रह रहे हैं उनको भी हम निकाल लेंगे। दूसरी बात ये कि अभी हमारा जो अपने मंदिर हैं हमारे अपने दुनिया भर के गली गली में मंदिर हैं, हमारे अपने साधु संत हैं, हमारे सन्यासी हैं, हमारा तमाम अपना तौर तरीका है और उसको धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज सफाई का काम छोड़ दे लेकिन मंदिरों में भागीदारी कब मिलेगी आपको जो बड़े बड़े मंदिर हैं? देखिए हमें उनके मंदिर चाहिए नहीं ना, क्योंकि हम तुलसीदास की रामायण से हम इत्तेफाक नहीं रखते ना,